अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ए न्यूज, मैं हूं हफ्सा मिन्हा। इस बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइंस। हुकूमत का पारा चनार धमाकों में जान बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वजीर आजम ने मुआवजों की फौरी अदायगी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत कर दी। सानिहा अहमदपुर शर्किया में रेस्क्यू अहलकार मौके पर बरवक्त पहुंचे या नहीं, पुलिस और इंतजामिया का किरदार क्या था? सानिहा अहमदपुर शर्किया की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पैनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली जीआईटी का इजलास जारी है। साबिक चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अमजद मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हो गए। तातिलात के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी, 100 इंडेक्स में 270 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सरगोधा में ट्रॉलर की गाड़ी को टक्कर 3 बच्चे और 2 खवातीन जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी होकर।